जो स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड पर्सन आएंगे वो मुख्यतः स्प्रेन में और स्ट्रेन में आते हैं, और बच्चे अधिकतर, बीइंग स्टूडेंट, जब मैं भी स्टूडेंट था तो स्प्रेन और स्ट्रेन के में कन्फ्यूजन हो जाता था, कौन सी मस्कुलर इंजरी है और कौन सी लिगामेंट इंजरी है, उसमें कभी कभी आपस में चेंज होता रहता था। तो इसलिए मैं ये अपने इस प्रेजेंटेशन से ये कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, आपको ये चीजें भूले ना फिर कि स्ट्रेन क्या है और स्प्रेन क्या है। इसीलिए इसी आज के लेक्चर में हम इस पे फोकस करेंगे, स्पोर्ट्स इंजरी को थोड़ा टच करते हुए हम स्प्रेन और स्ट्रेन पे करेंगे फोकस, और मांसपेशी संबंधित जो छोटे छोटे शब्द जिनको परीक्षा में आने की भी संभावनाएं होती हैं, और जो इनसे बिल्कुल एकदम से मिले हुए होते हैं, थोड़ा माइनर सा अंतर होता है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, वो ट्राई की जाएगी इसमें आज। तो स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं। इंजरी क्या है? इंजरी एक कोई भी एक्यूट ट्रामा, कोई भी एक्यूट ट्रामा हो, कोई भी हार्म हो, फिजिकल बाई ये बॉडी और बाई पर्सन, और ज्यादातर किस में होता है, स्पेशली इन एक्सीडेंट, दुर्घटना के कारण, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या ऑन रोड हो। तो अचानक शारीरिक रूप से जो भी हार्म हमें होता है वो सारा का सारा इंजरी के अंतर्गत आता है, और वो हार्म किस कारण से हुआ ये अनदर फैक्टर है। तो जो इंजरी स्पोर्ट्स के फील्ड में आ जाएगी उनको स्पोर्ट्स इंजरी कह देंगे। स्पोर्ट्स इंजरी ब्रीफली संक्षेप में क्या हुआ, एक्यूट ट्रामा। एक्यूट का मतलब होता है जब भी कोई एक्यूट शब्द लगा है तो उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, यानी कि वो अचानक ही लगता है, बहुत जल्दी होना। तो एक्यूट से ध्यान रखना, जिस भी इंजरी के आगे एक्यूट लगा है तो समझो कि वो जो इंजरी होती है वो तुरंत होती है, किसी घटना के कारण, किसी खिंचाव के कारण, मुड़ने गिरने के कारण। और एक होती है क्रोनिक। क्रोनिक से मतलब ही होता है, अगर किसी इंजरी, किसी डिजीज के आगे क्रोनिक लगता है शब्द, तो इसका मतलब यह है कि वो बीमारी धीरे धीरे डेवलप होती है और बहुत गहन होती है, गहरी होती है, उसका ट्रीटमेंट भी देर तक चलेगा। परंतु एक्यूट का मतलब ये नहीं कि एक्यूट गहरी नहीं हो सकती, एक्यूट भी ऐसी इंजरी है जो तुरंत लगेगी, हो सकता है डेथ ही हो जाए, लेकिन एक्यूट का मतलब एकदम से डेवलप होना, और क्रोनिक का मतलब धीरे धीरे डेवलप होना। ठीक है, तो दोनों शब्दों का अंतर रखना कि एक्यूट लग सकता है इंजरी के आगे भी और डिजीज के आगे भी, और क्रोनिक लग सकता है इंजरी के आगे भी और डिजीज के। तो एक्यूट का मतलब तुरंत और क्रोनिक का मतलब लंबे समय में। तो इट्स रिपेटिटिव स्ट्रेस एसोसिएटेड विद एथलेटिक एक्टिविटीज। एथलेटिक का मतलब यहाँ पे एथलेटिक स्टैंड फॉर ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी। तो स्पोर्ट्स इंजरी कैन बी अफेक्ट बोन, सॉफ्ट टिश्यू सच एज लिगामेंट, मसल्स और टेंडेन, यानी कि किसी भी चीज को प्रभावित कर सकती है, चाहे वो सॉफ्ट टिश्यू हो या हमारी हार्ड टिश्यू हो जिसके अंतर्गत बोन आते हैं। और जो जैसे सॉफ्ट टिश्यू में हमने यहाँ लिखा नहीं, जैसे स्किन है वो भी आपकी, इट्स कम अंडर सॉफ्ट टिश्यू। तो जब इंजरी का क्लासिफिकेशन है, कहाँ कंफ्यूज होते हैं, कोई कहता है एक्यूट इंजरी होती है, देर आर टू टाइप, एक्यूट और क्रॉनिक, कोई कहता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरी, कोई किसी तरह से क्लासिफिकेशन होता है। एक्चुअल में जो क्लासिफिकेशन है वो इसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस नेचर के आधार पे चोटों को बांट रहे। तो जैसे हम अगर बात करें कि लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि कितने लंबे समय में वो डेवलप होती हैं इंजरीज, दे टेक टू डेवलप, हाउ लॉन्ग टाइम, हाउ मच टाइम दे टू टेक, तो उसके आधार पे हम इसको क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक्यूट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता, अपिंग सडनली, अचानक उत्पन्न होता है, ब्रोकन ऑफ बोन और कट, यानी कि अचानक आप टकराए, हड्डी टूट गई, आपस में टकराए, पैर ट्विस्ट हो गया या सिर लग गया या हाथ लगा या पैर लगा, मतलब इंसिडेंटली और सडनली जो भी इंजरी आएंगी, क्योंकि इनका टाइम बहुत कम है, तो एक्यूट इंजरी कहलाएंगी इस टाइप की, जो अचानक आती है सडनली। और क्रोनिक क्या है, डेवलपिंग और लास्टिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड, धीरे धीरे लंबे समय तक में जो है वो डेवलप होती है, जैसे टेनिस एल्बो इंजरी, आपने सुना भी होगा। टेनिस एल्बो इंजरी का मतलब किस इंजरी से संबंधित है, एल्बो से लगा का मतलब,
कोनी पे, ठीक है। टेनिस का मतलब केवल ये नहीं कि वो टेनिस में ही उत्पन्न होगी, वो बैडमिंटन वाले प्लेयर्स के भी हो सकती है, उन सब खिलाड़ियों को हो सकती है जहां रिपीटेटिव हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल और मीडियल मूवमेंट होती हो एल्बो की, कंटिन्यूअस एल्बो को काम करना पड़ता हो। तो क्या होता है कि जो इंटीरियर लिगामेंट है उसमें धीरे 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 स्ट्रेन होते हुए फ्रैक्चर बढ़ता है, पेन होता है। बाहर से आप देखेंगे आप एक्टिविटी नहीं कर रहे, नो पेन, लेकिन वंस यू स्टार्ट द मूवमेंट तो एल्बो पर पेन महसूस होगा, तो उसको इसलिए टेनिस एल्बो कहा, न कि ये कि भाई ये टेनिस खेलने वालों को ही होती है, ये अदर स्पोर्ट्स को भी हो सकती है, परंतु एल्बो के इंटरनल पेन को टेनिस एल्बो कहेंगे। और जैसे बॉलर है, फास्ट बॉलर है, उसको शोल्डर में इस तरह की इंजरी उत्पन्न हो जाती है, चोट नहीं लगती, लेकिन रिपीटेडली उसको क्या करना होता है, बार बार शोल्डर का इस्तेमाल करना होता है, तो उसके शोल्डर में पेन शुरू हो जाता है। वॉलीबॉल वाला है, बार बार जब करना होता है तो नी में पेन होने लगता है, तो इस प्रकार की इंजरीज क्या होंगी, अचानक नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने उस पार्ट को, उस जॉइंट को अत्यधिक इस्तेमाल किया लंबे समय तक, तो वो क्या हुई, क्रोनिक इंजरी। तो ये क्लासिफिकेशन किसके आधार पे है, टाइम बेस्ड। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर ऑफ इंजरीज वी कैन डिवाइड द स्पोर्ट्स इंजरी टू पार्ट्स। उसके फैक्टर क्या है, कारण क्या है चोट लगने के, उसके आधार पर हम इसको टू टाइप, टू कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो कहलाती है इंट्रेंसिक इंजरी। इंट्रेंसिक का मतलब आंतरिक, यानी कि द टाइप ऑफ इंजरीज दैट ऑकर ड्यू टू इंटरनल और पर्सनल फैक्टर, यानी कि जिस चोट का, जिस बीमारी का कारण स्वयं हम हो या हमारे अंदर उपस्थित हो, उसका कोई बाह्य कारक के कारण ना लगे, तो वो कहलाएगा इंटेंसिक इंजरी। और इसको फोर टाइप में बांटते हैं, फोर कैटेगरी में, इंटेंसिक इंजरी को भी फोर कैटेगरी में बांटते हैं। इंसिडेंटल इंजरी, ऑटोमेटिकली सबसे अज्ञात हो जाता है कि द इंजरी ओकर एक्सीडेंटली, अचानक ही हो गया, हम कूदे हमारा एंकल ट्विस्ट हो गया, हमने फोर्सफुली पुशअप किया हमारे चेस्ट में पेन हुआ, या हम गिर गए तो ये क्या हुआ, किसी और ने नहीं गिरा, सब हमारे अपने कारण है, तो इंट्रेंसिक इंसिडेंटल इंजरी। दूसरी ओवर यूज एक्यूट इंजरी, थर्ड है ओवर यूज क्रोनिक इंजरी, और सेकेंडरी इंजरी। तो यहां भी ओवर यूज शब्द इस्तेमाल किया एक्यूट से पहले और ओवर यूज, तो इस ओवर यूज और इस ओवर यूज का दोनों का अंतर है। एक्यूट से आपने समझा अचानक सडनली, तो यहां पर ओवर यूज का मतलब है कि कैपेसिटी से अधिक इस्तेमाल कर लेना अचानक। सपोज करो आप बेंच प्रेस मारते हैं 20 kg, अगर आपने प्रयास किया 50 kg की, डेफिनेटली इंजरी आएगी शोल्डर में, फैक्टोरिस मेजर में आएगी। तो यहां पर ओवर यूज एक्यूट इंजरी का मतलब होता है मसल की क्षमता से अधिक काम कर लेना, अधिक प्रयास कर लेना, अधिक फास्ट दौड़ने के चक्कर में, यानी कि अगर कॉम्पिटिटर तकड़ा है तो आपने मैक्सिमम एफर्ट किया, तो क्या हुआ, मसल्स टोन अप हो गई, मसल्स फट गई, तो इसको कहेंगे ओवर यूज एक्यूट इंजरी, जो सडनली आया, और किस कारण से, इंट्रेंसिक कारण से, किसी और ने धक्का दिया, दौड़ हम ही रहे थे लेकिन हमने ज्यादा इस्तेमाल किया, तो वो फिटनेस इतनी अच्छी नहीं थी, या कोई प्रीवियस इंजरी है उसके कारण बहुत होते हैं, तो हमारी क्या हुई, एक्यूट इंजरी। और थर्ड क्या, ओवर यूज क्रोनिक, यानी कि रिपीटेडली आप किसी पार्ट को, आप किसी मसल्स को रिपीटेडली लंबे समय तक इस्तेमाल करें, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ओवर यूज क्रोनिक इंजरी। ये भी इंट्रेंसिक है, जैसे टेनिस एल्बो है वो इंट्रेंसिक इंजरी के अंदर में आएगा, क्योंकि वो क्या है, किसी और ने तो नहीं मारा, हम अपने आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हमारे ज्वाइंट की स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और फ्लेक्सीबिलिटी अच्छी नहीं है, तो ये डेवलप होने की संभावनाएं रहेंगी। और सेकेंडरी इंजरी, इनसे अलावा दूसरे कारकों से जो हमारे चोट लगती है उनको कहेंगे सेकेंडरी इंजरी। इन सब के फैक्टर क्या है, देखो रोंग टेक्निक, किसकी जिम्मेवारी, अपनी, अगर हम गलत टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। रोंग मेथड ट्रेनिंग का हो या किसी चीज को एग्जीक्यूट करने का हो। लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये भी पर्सनल फैक्टर है, अगर हमारी फिटनेस नहीं होगी तो डेफिनेटली 100% स्पोर्ट पर्सन विल गेट इंजर्ड, चाहे वो इंट्रेंसिक हो या एक्सटेंसिक हो, जिसकी फिजिकल फिटनेस कम है उसकी इंजरी की संभावनाएं ज्यादा होती हैं।
तो ज्यादातर जो अच्छे कभी कभी टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो इस फील्ड में क्या करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, फिजिकल फिटनेस पे कम फोकस करते हैं, और वो क्योंकि टेक्निकली साउंड होते हैं तो उसके भरोसे रहते हैं, इसीलिए उनका जीवन कभी वही लंबा नहीं चल पाता, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिटनेस दे गेट इंजर्ड, और इंजर्ड होने के बाद में तो देखो स्पोर्ट्स पर्सन का करियर एक प्रकार से थम ही जाता है। इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, यानी कि अगर रुचि नहीं है, जिस दिन रुचि नहीं है, जिस दिन आपका मूड नहीं है, अगर आप खेल रहे हैं तो डेफिनेटली इंजरी के चांसेस रहते हैं। फटीक, चाहे वो फटीक किसी कारण से हो, ट्रेनिंग के कारण से हो, घर के जो घरेलू फैक्टर हैं उनके कारण से हो, अगर आप थक गए हैं तो थकान के कारण भी इंजरी आने की संभावना है। इनकम्प्लीट वार्म अप, डेफिनेटली वार्म अप आपकी जिम्मेवारी है, अगर आपने इनकम्प्लीट वार्म अप किया तो भी देर इज चांसेस। प्रीवियस इंजरी, ये भी आपका पर्सनल फैक्टर है, अगर पहले चोट लगी हुई है। लैक ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को किसका होगा, जिसकी फिटनेस कम होगी, जिसकी टेक्निक कम होगी, जिसका ध्यान यानी इंटरेस्ट वहां कम नहीं होगा, तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कमजोर होगा, इसीलिए उसको इंट्रेंसिक इंजरी आने की संभावना होती है। दूसरी क्या है, एक्सट्रेंसिक इंजरी। इंट्रेंसिक का मतलब द रिस्पॉन्सिबल विद इन सेल्फ, और एक्सट्रेंसिक का मतलब द इंजरी विच ऑकर ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर, यानी किसी बाह्य कारक के कारण चोट आ जाए, चाहे वो जितने बॉडी कॉन्टेक्ट गेम कितने हैं, चाहे कबड्डी, कुश्ती, जूडो, ताइक्वांडो, ये सब में तो डेफिनेटली एक्सट्रेंसिक इंजरी आने की संभावना ही है। इसके साथ साथ में हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इनमें भी क्या है भाई, ओपोनेंट के खिलाफ खेलना है, इंस्ट्रूमेंट रहने हैं, बॉल है, इन सब के कारक जो आने वाली चोटें हैं वो क्या कहलाएगी, एक्सट्रेंसिक इंजरी। और एक्सट्रेंसिक इंजरी के कारक कौन कौन से हैं, फिजिकल फैक्टर, इट्स इंक्लूड फिजिकल फोर्स और फैक्टर जैसे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीम मेंबर, आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। हेलो, हाँ बच्चे बताओ बेटे, क्लास चल रही। बच्चे भी ऐसे होते हैं देखो, मतलब ये नहीं डरते कि रात को पूछ रहे सर वो पिछले साल का एग्जाम छूट गया था, इंक्वायरी के लिए, मतलब कॉलेज में नहीं आते, चलो छोड़ो। तो इम्प्रॉपर ग्राउंड होगा, ये भी फिजिकल फैक्टर है, रोंग टेक्निक है, हॉट कोल्ड रेन, ये स्लीपरी ग्राउंड, ये सब क्या है, फिजिकल फैक्टर के अंदर में आएंगे, भौतिक कारकों के अंदर में आएंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन द कोच और टीम मेंबर्स, और बिटवीन फ्रेंड, उनका इंटरेस्ट, लोड, फैमिली के साथ में रिलेशनशिप, उनकी बैकग्राउंड, उनकी डेली रूटीन, ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हमें साइकोलॉजिकली प्रभावित करेंगे, हमारे मूड को और हमारे कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करेंगे। सोशल फैक्टर, इसमें क्या आएगा, पब्लिक है, दर्शक है, रोंग अनफेयर सिलेक्शन है, किसी ने सिलेक्शन गलत कर लिया तो या तो उसको, जिसका सिलेक्शन गलत हुआ उसको चोट लगेगी, या वो चोट लगवाएगा जिसका अच्छा सिलेक्शन है। इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ एथलीट, भाई सामाजिक कारक है इकोनॉमिक कंडीशन होना, कोई गरीब है, अब गरीब होगा तो उसकी डाइट पर उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट पर उसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे उसकी फिटनेस कमजोर होगी। तो ये सब फैक्टर किसके अंडर में आते हैं, सोशल के। तो एक्सटेंसिक और इंटेंसिक इंजरी किसके बेस पे क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर। फिर एक और क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर दैट आर डैमेज, यानी कि जो शरीर की रचना का जो चीज डैमेज हुई है, और एज पर फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी वी कैन डिवाइड द स्पोर्ट्स इंजरी इनटू द थ्री कैटेगरी। अगर वहां पे जो हमारी एनाटोमिकल स्ट्रक्चर डैमेज हुई उसके आधार पे क्या करेंगे, तीन कैटेगरी में बांटेंगे। पहली कौन सी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इंक्लूड नर्व्स, ब्लड वेजल्स, मसल्स, स्किन, ऑर्गन्स, टेंडन, ईटीसी, यानी कि ये सारे भाग क्या हैं, ये सारे जो पार्ट हैं हमारे बॉडी के, इट्स कम अंडर सॉफ्ट टिश्यू, अगर इनको चोट लगती है दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। और इसके उदाहरण मैम के लेक्चर में आपसे बात हुई, कंट्यूजन उन्होंने पढ़ा था, बुलसाई उन्होंने पढ़ा था, एबर्जन उन्होंने पढ़ा था, स्ट्रेन था, ये सब क्या है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है। हार्ड टिश्यू हमारी बॉडी में कौन सा है, बोन है, इसका मतलब बोन इंजरी या हार्ड टिश्यू इंजरी इज द सेम, और ये क्या होता है, फ्रैक्चर आने पर जब हड्डियां टूट जाती हैं। फ्रैक्चर का कभी क्लासिफिकेशन करा था मैम ने, कोई एक बताएगा जिसने मैम की क्लास फ्रैक्चर का क्लासिफिकेशन करा था,
अगर नहीं करा तो मैं अगली बार करा दूंगा, उसको ग्रुप पर लिख देना। कराया था सर। ठीक है, फिर तो फिर ठीक है। जॉइंट इंजरी यानी कि जहां जो जॉइंट काटते हैं, अब जॉइंट किस किस कौन कौन सी चीजों पर आते हैं, जॉइंट पर कार्टिलेज रहते हैं, लिगामेंट रहते हैं, ब्रुसाई रहते हैं और स्प्रेन। इन दो शब्दों में जिसको हम मुख्यतः फोकस करेंगे, स्प्रेन आया वो किस में, यानी कि जॉइंट इंजरी होती है, और स्ट्रेन कहाँ आया, सॉफ्ट टिश्यू में आया। ठीक है, स्ट्रेन इज ए सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, स्प्रेन इज ए जॉइंट इंजरी। अब बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ इंजरी ऐसे भी क्लासिफिकेशन करते हैं, गहराई के आधार पर कितनी डीप इंजरी है, तो इसके आधार पर दो कैटेगरी में रखते हैं, एक सिंपल इंजरी यानी सुपरफेशियल इंजरी। तो सुपरफेशियल इंजरी के साथ में क्या आएगा, एवर्जन जो पढ़ा था, लेसेरेशन जो पढ़ा था मैम ने, बुरसाई जो पढ़ाया था, वो सब आएंगे, और ग्रीवियस इंजरी यानी कि डीप इंजरी। तो इस चैप्टर को भी इंजरी में से प्रश्न आते हैं, आपको इनके जो फॉर्म है, जैसे सिंपल इंजरी इज आल्सो रेफर टू द सुपरफेशियल इंजरी, ग्रीवियस इंजरी इज आल्सो रेफर टू द डीप इंजरी। और डीप इंजरी में क्या है, जैसे इनसाइज कट है तो वो इट कैन बी सुपरफिशियल और डीप। भाई यदि उसने स्किन ही कटी है तो दैट इज सुपरफिशियल, यदि उसने वेन्स तक भी काट दिया और डीपर गया है तो इसका मतलब वो क्या हुआ, ग्रीवियस इंजरी होगी। ग्रीवियस इंजरी मींस लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी या एक्शन थ्रेटनिंग इंजरी, और सिंपल इंजरी का मतलब लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, हल्की फुल्की चोट है, ठीक हो सकती है। तो इन सब के आधार पर मुख्यतः फिर जब हम बात करते हैं, जो मैम ने भी पढ़ाया है कि बुरसाई क्या है, एबर्सन क्या है, लेसेरेशन क्या है, इंसाइज क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, एक्यूट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, यानी कि ये वाला जो प्रकार है, एक्यूट का मतलब सडनली लगने वाली, किनको, सॉफ्ट टिश्यू जो इन्वॉल्व रहते हैं वो इंजरी, और उन इंजरी में आता है कंट्यूजन और बुरसाई। इसका सीधा सीधा अर्थ है जब नील पड़ जाए चोट लगने से, यानी कि थोड़ी स्वेलिंग आ जाए और नील पड़े, तो अपने आप सिंपल सी भाषा में आप समझ जाएंगे कि ब्रुसाई है। एबेसन का मतलब कट आ जाए, लेसेरेशन या पंक्चर जब जा घिस घिस के छाला पड़ जाए, इनसाइड और कट यानी कि इस तरह की चोट लगेगी वो चाकू की तरह कट जाए, स्किन बिल्कुल एकदम से कट स्पष्ट दिखाए, ब्लिस्टर छाले पड़ जाते हैं, मसल्स क्रैम्प और स्टिफनेस, स्ट्रेन और मसल्स स्ट्रेन और स्प्रेन। तो वो ज्यादातर प्रश्न पूछा था स्ट्रेन और स्प्रेन में, तो मेरा हिंट ये है कि स्ट्रेन को आप मसल्स स्ट्रेन के रूप में याद करें, तो इससे फिर कभी भी एग्जाम के दौरान भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि स्ट्रेन लिगामेंट की इंजरी है कि मसल्स की। स्ट्रेन को आप मसल्स के साथ याद कर लें, मसल्स स्ट्रेन, और स्प्रेन को सिंपल रहने दें। तो जब आपके ये मेमोराइज हो जाएगा मसल्स स्ट्रेन, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेन क्या है, मसल से संबंधित इंजरी है। तो जो दूसरा शब्द स्प्रेन बचा जो कंफ्यूजन करता है वो क्या है, जॉइंट इंजरी है यानी कि लिगामेंट इंजरी है। जॉइंट पे क्या रहते हैं, लिगामेंट, तो लिगामेंट इंजरी स्प्रेन है, और मसल्स स्ट्रेन का मतलब हमारी मांसपेशी की है। इन दोनों को डीपली टच करेंगे, बाकी मैं नहीं छेड़ रहा हूं, मैंने हटा दिए थे। स्प्रेन और स्ट्रेन आर कॉमन ऑर्थोपेडिक इंजरी, ए स्प्रेन इज एन इंजरी टू ए लिगामेंट एंड ए स्ट्रेन इज एन इंजरी ऑफ मसल्स और टेंडन। जब हम मसल्स स्ट्रेन करेंगे तो मैंने जो मसल्स की एनाटोमिकल स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो उसमें बात की थी जो सर्कोलेमा है, जो कवर है वाई है फाइबर का, वो अंत में क्या करता है, जब वो जिस स्थान पे अस्थि से जुड़ता है उस स्थान को क्या कहते हैं, जब मांसपेशी अस्थि से जुड़ती है, जहां पर मांसपेशी अस्थि से जुड़ती है तो अस्थि के उस भाग को क्या कहते हैं, कोई बताएगा, पेरिओस्टियम, याद रखना है भाई, तब मजा आएगा, ये चीजें पढ़ाने में मजा तब आएगा जब आप वो चीजें याद रखेंगे। तो उसे टेंडन कहते हैं, यानी कि वहां पर क्या होता है कि वो मांसपेशी टाइट हो जाती है, हार्डन अप हो जाती है, उसे टेंडन कहते हैं। लिगामेंट क्या है, जॉइंट पर जो दो बोन को होल्ड करके रखते हैं और जॉइंट की मोबिलिटी डिसाइड करते हैं, और टेंडन कहाँ है, जहां मसल्स या तो ओरिजिन होती है, अस्थि से ओरिजिन होती है और किसी दूसरी जगह पे स्थान पे अस्थि में इंसर्ट हो जाती है, तो वो स्थान जहां पर मांसपेशियां
अस्थि से जुड़ती है, पेरिओस्टियम कहलाता है, और वो हिस्सा मांसपेशी का सख्त हो जाता है हार्ड, उसे टेंडन कहते हैं। तो स्ट्रेन की इंजरी क्या है? मांसपेशी की और टेंडन की इंजरी है। ये मेमोराइज होना चाहिए आपके। अब स्प्रेन की बात करेंगे, सबसे पहले स्प्रेन का मतलब लिगामेंट की इंजरी। ए स्प्रेन इज यूजुअली कॉज्ड बाय ट्रामा, अचानक कोई भी धक्का या चोट लगी सीधी सीधी टू ए जॉइंट। ए स्प्रेन, हेलो सर, यस सर, टेंडन जो होना मांसपेशी का सिरा होना सर, मांसपेशी का सिरा, हम हिंदी में बोल सकता हूँ, यानी कि मांसपेशी का सिरा इतना कहते वो हिस्सा, खाली मांसपेशी का आखिरी हिस्सा नहीं, जो अस्थि से जुड़ता है, तो वहां पे क्या है, मांसपेशी हार्ड हो जाती है बहुत, तो उस हार्ड मांसपेशी कहते हैं, है नहीं? और सर ओरिजिन तो गति मांसपेशी में, ओरिजिन जो एक जगह से एक मांसपेशी उत्पन्न होगी और दूसरी जगह से इंसर्ट, तो जहां से ओरिजिन हुआ उस अस्थि को तो नहीं लाएगी, जहां इंसर्ट हुई उसको हिला सकते, जैसे बाइसेप्स का ओरिजिन कहां हुआ, हमारे स्केपुला सर इसमें ही थी ना, है नहीं, और इंसर्ट भी यहाँ तो खींचेगी, वो फिक्स रहता है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। विच इज ए बैंड ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन टू अनदर, पीपल एट हायर रिस्क फॉर स्ट्रेन एंड स्ट्रेन इंक्लूडिंग एथलीट्स हू हैव हैड स्ट्रेन और स्ट्रेन बिफोर एंड दोज हू आर ओवरवेट। दो लोग बहुत फ्रजाइल होते हैं स्ट्रेन स्ट्रेन के प्रति, एक तो उनका वेट बढ़ जाए, अगर स्पोर्ट्स पर्सन का उसका वेट बढ़ गया, और दूसरा पहले एक बार उसको स्ट्रेन या स्ट्रेन आ चुका है तो वो मोर फ्रजाइल होते हैं, आगे आने की ज्यादा संभावना रहती है, और खासकर स्ट्रेन की तो रहती है, क्यों, स्ट्रेन जॉइंट इंजरी है और लिगामेंट की ये नेचर होती है कि उसमें बहुत ही एक निश्चित सीमा तक इलास्टिसिटी होती है, और क्योंकि वो हार्ड ना होता है तो उसके जुड़ने में अधिक समय लगता है, इसलिए वो इंजरी रिपीटेडली आने की संभावना रहती है। डिसलोकेशन, एक बार आपका जॉइंट हो गया तो फर्स्ट टाइम अगर आपने ठीक से रिहेबिलिटेशन किया, ठीक से प्रॉपर रेस्ट किया, जो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं करते, अगर किया तो उसका कैरेज चलेगा, और एक बार फिर डिसलोकेट हो जाए तो कभी भी जीवन में उस खिलाड़ी का समझो उसका कैरियर खत्म है। इसीलिए कभी भी स्पोर्ट्स पर्सन को अगर डिसलोकेशन हुआ, चाहे उसका बहुत महत्वपूर्ण कंपटीशन हो, उसको अवॉइड करना चाहिए अनटिल अनलेस, जब तक उसका शोल्डर यानी कि जो जॉइंट है उसकी इंजरी प्रॉपरली रिहेबिलिटेट नहीं हो जाती। अब लोकेशन क्या होती है, किसकी, स्प्रेन की बात हो चुकी, जॉइंट पे, दिस इंजरी कैन ऑकर एनी बॉडी पार्ट बट आर द मोस्ट ऑफन फाउंड इन द लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज, क्योंकि इन्हीं से भाग दौड़ करनी पड़ती है, सच एज द एंकल, सबसे अधिक कहाँ आती है, एंकल पे, स्प्रेन सबसे अधिक कहाँ आता है, एंकल पे। यदि ये पर्सन भी आता है कि स्प्रेन की मोस्ट ऑकर लोकेशन कौन सी है, एंकल, पैर ज्यादातर ऐसा कोई होता ही नहीं खिलाड़ी जिसका एंकल स्प्रेन ना हुआ जीवन में एक बार, सामान्य आदमी को भी होता है, उसके बाद में नी, फिर एल्बो और रिस्ट, सेकेंड नंबर पे कौन, नी, थर्ड पे एल्बो और फोर्थ पे रिस्ट, द मोस्ट कॉमन स्प्रेन साइट इज द एंकल जॉइंट, ये आपको याद रखने लायक है, द मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, इन रेफर टू द स्प्रेन, एंकल स्प्रेन कैन ऑकर वेयर द फुट फॉल्स इनवर्ड, अगर फुट फॉल इनवर्ड हुआ तो इनवर्ड को क्या कहते हैं, इनवर्सन, मैं मूवमेंट भी पढ़ाऊंगा, और अगर आउटवर्ड हुआ यानी कि अंदर की ओर को मुड़ा तो इसको क्या कहेंगे, इवर्सन, मूवमेंट भी है ना, इनवर्सन एंड इवर्सन, तो यदि इनवर्ड हुआ है तो इनवर्सन और आउटवर्ड हुआ है तो इवर्सन। कॉज ऑफ स्प्रेन, स्प्रेन के कारण कौन से होते हैं, ट्रॉमा यानी कि किसी भी कारण से झटका हो जाना, ट्रॉमा का मतलब होता है अचानक होने वाली चीजें, तो ट्विस्टिंग और फोर्स अवर स्ट्रेस द लिगामेंट, या तो ट्विस्ट हो जाए या बाह्य या इंटरनल फोर्स के कारण वो ज्वाइंट उस सीमा से अधिक तक लिगामेंट पर खिंचाव आ जाए, जैसे हाइपर एक्सटेंशन और हाइपर फ्लेक्शन। अब एल्बो अगर आपने सीधी की, दैट इज फ्लेक्शन, और इसको एक मात्रा में जैसे गर्ल्स की और फ्लेक्शन होती है, तो गर्ल्स में क्या है, हाइपर फ्लेक्शन भी संभव होता है और कुछ बॉयज में, लेकिन यदि हाइपर फ्लेक्शन एक्सटेंशन ज्यादा हो जाए या हाइपर फ्लेक्शन ज्यादा हो जाए तो यहाँ पर क्या है, इंजरी आने की संभावना रहती है उस जॉइंट पे। कैन कोज टीयर इन द लिगामेंट टिश्यू विच कैन बी ग्रेडेड फ्रॉम मिल्ड टू सीवियर डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डैमेज, यानी कि
हल्के से लेकर के गहन तक हो सकता है, वो किस पर निर्भर करेगा, उसका डैमेज कितना हुआ वहां पर लिगामेंट का। स्प्रेन कैन हैपन व्हेन पीपल ट्विस्ट एन एंकल और नी और फॉल ऑन एल्बो और शोल्डर। भाई अगर गिर गए कंधे के बल तो कंधा डिसलोकेट हो जाता है, डिसलोकेट नहीं होता इंजरी आती है, लिगामेंट रैप्चर हो जाते हैं। तो इसके आधार पे पहले इनके लक्षण क्या है, सिंपल सी बात है, जब स्प्रेन होगा तो उसमें पेन होता है, दर्द, स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, बुरसाई, वहां नीलापन आ सकता है स्किन पे, इनएबिलिटी ऑफ द जॉइंट, यानी कि उस जॉइंट पर क्या होगा, मोबिलिटी नहीं रहेगी, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। ये क्या है, उसके सिंपल सिम्टम्स हैं। और ये सिम्टम्स क्या है, किसी भी इंजरी के हो सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेन हो या स्प्रेन हो, ठीक है। और क्या होता है इसमें, जो जॉइंट है अगर उस पर करें तो क्रैपिंग की आवाज भी आएगी, लिगामेंट इंजरी अगर डीप चल रही। इसी आधार पे कि इंजरी की डेप्थ कितनी है या हाउ मच पार्ट और हाउ मच लिगामेंट आर इन्वॉल्व, उसके आधार पे इसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं, डिग्री कह लो या ग्रेड कह लो। तो फर्स्ट डिग्री या ग्रेड वन, ये क्या होता है, मिल्ड स्प्रेन है, इसमें क्या होगा, लिमिटेड पेन होता है, हल्का पेन होता है और स्वेलिंग, हल्की स्वेलिंग रहती है थ्रू द जॉइंट, नो इनस्टेबिलिटी, मतलब जैसे मुड़ा तो हल्का पेन दिखाई देता है परंतु ऐसा नहीं कि आपको तुरंत स्पोर्ट्स एक्टिविटी रोकनी पड़ेगी, हल्का दर्द, हल्की सूजन और इनस्टेबिलिटी नहीं रहती, ठीक है, चलता रहता काम। सेकेंड डिग्री जिसे ग्रेड टू भी कहते हैं, ये क्या होता है, मॉडरेट स्प्रेन है, यानी कि बीच की स्थिति है, इसलिए पेन भी मॉडरेट होगा, ये नहीं कि भाई आप खेलें, परंतु ये भी नहीं कि बिल्कुल रोक ही दे, स्वेलिंग हल्की रहेगी, बुरसाई का जो नीलापन है उस जॉइंट पर बढ़ जाएगा और लिटिल बिट इनस्टेबिलिटी हो जाएगी, इसीलिए रेंज ऑफ मोशन भी प्रभावित होती है ड्यू टू सेकेंड डिग्री और ग्रेड टू विच इज कॉल्ड मॉडरेट स्प्रेन। और थर्ड डिग्री, इसमें क्या होता है, फाइबर, जो लिगामेंट्स के फाइबर हैं वो पार्शियली रैप्चर होते हैं, बहुत ही कम फाइबर होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, मोर देन 20% फाइबर्स जो है रैप्चर हो जाते हैं, 20-50% फाइबर जो लिगामेंट के हैं वो रैप्चर हो जाते हैं। और जो थर्ड डिग्री है, लिगामेंट का कंप्लीट रैप्चर, जो बहुत खतरनाक है, जिसका जुड़ना बहुत मुश्किल है, इसमें पेन बहुत ज्यादा, सूजन बहुत ज्यादा, नीलापन आएगा और जॉइंट इंस्टेबल हो जाता है, यानी कि आप अगर खड़ा होना चाहें तो खड़ा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो टॉर्न कंप्लीटली और रैप्चर कंप्लीटली मींस थर्ड डिग्री, टॉर्न 50% टू 20-50 मॉडरेट एंड बिलो 20% मींस ग्रेड वन। अब बात आई स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन को आपको याद किसके साथ करके करना है, मिलके मसल्स स्ट्रेन, तभी आपको कभी भी जीवन में आगे कंफ्यूजन नहीं होगा कि स्ट्रेन और स्ट्रेन क्या है। ये क्या है, स्ट्रेन इज यूजुअल रिजल्ट ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग और ओवर यूज ऑफ मसल्स और टेंडन, टेंडन की, क्योंकि जब मांसपेशी की है तो टेंडन की भी है, कॉन्ट्रेक्शन किसके सारे करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बोन को पुल करती है, और पुल किसके आधार पर, टेंडन के आधार पे। तो ये ओवर स्ट्रेचिंग और ओवर यूज ऑफ मसल्स और टेंडन, ए स्ट्रेन इज एन इंजरी ऑफ ए मसल्स और टेंडन विच इज ए बैंड ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन, ए स्ट्रेन इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड टू एज ए टोर्न मसल्स और मसल्स फुल। तो मसल्स फुल इज ऑल्सो रेफर्ड टू द मसल्स स्ट्रेन, और टॉर्न मसल्स या मसल्स टॉर्न, यदि किसी ने पूछा एग्जाम में थोड़ा घुमा के ही पूछेंगे, तो मसल्स पुल, मसल्स टॉर्न और स्ट्रेन इज द सेम थिंग, ठीक है। इनकी लोकेशन क्या रहेगी, सिंपल सी बात है, मोस्ट कॉमन मसल्स स्ट्रेन साइट आर द लंबर स्पाइन, लोअर बैक, ऐसा कोई होता ही नहीं जिसको लोअर बैक पेन नहीं होता, तो इसका मतलब स्ट्रेन की मोस्ट फ्रजाइल साइट कौन सी है आपकी, लंबर स्पाइन, लोअर बैक एंड द हैमस्ट्रिंग मसल्स इन द बैक ऑफ थाई, ये सब एथलीट्स को आ जाता है, फुटबॉल में आ जाता है, जैसे तेज करना होता है, क्रिकेट वालों को आ जाता है, आता नहीं है। तो मोस्ट फ्रजाइल साइट कौन सी है स्ट्रेन की, लंबर और हैमस्ट्रिंग, यानी कि जो बैक साइड में रहती है, ठीक है। सम स्ट्रेन एंड स्ट्रेन में ऑकर टुगेदर ड्यूरिंग द सेम इंजरी प्रोसेस, कभी कभी स्ट्रेन और स्ट्रेन दोनों साथ साथ आ जाते हैं,
क्यों? उधर मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा, जैसे जंप किया, जंप करने में इतनी फोर्स हुई, मसल्स स्ट्रेन आ गया, और वंस यू आर गेटिंग लैंडिंग, आपका बैलेंस तो बिगड़ा हुआ था, डेफिनेटली यू विल गो फॉर स्ट्रेन आल्सो, तो स्ट्रेन भी हो सकता है, तो दोनों चीजें चोटें एक साथ भी आ सकती है। कॉज ऑफ स्ट्रेन, इसके कारण क्या है? ओवर स्ट्रेचिंग ओवर यूज है। एक्यूट स्ट्रेन कैन बी रिजल्टेड ऑफ सडन ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग और ट्रामा और मसल्स और टेंडन, या तो सडनली ट्विस्टिंग हो जाए, सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। क्रोनिक स्ट्रेन कैसे आएगा? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर यूज ऑफ मसल्स, उस मांसपेशी का ओवर यूज हो जाए बहुत ज्यादा, सच एज विद द एथलीट हु ट्रेन कंस्टेंटली एंड डू नॉट रेस्ट एडुकेटली, लगातार ट्रेनिंग चल रही है हाई लेवल एथलीट्स की, रेस्ट नहीं मिल रहा है, फटीग इतनी ज्यादा आ गई, तो उनको स्ट्रेन आने की संभावनाएं रहती है। फोर्सफुल्ली इनवॉलेंट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल, ये कब होगा? वार्म अप अगर इम्प्रॉपर है और आपने फोर्सफुल्ली किया तो वो कॉन्टेक्ट तो होना चाहती है मसल्स, लेकिन फुल्ली कॉन्टेक्ट नहीं होती, तो क्या होते हैं? फाइबर टॉर्न अप हो जाते हैं, उसके मसल्स फाइबर फट जाते हैं। साइन एंड सिम्पटम सेम, जैसे स्ट्रेन होता है पेन होगा ही, इन्फ्लेमेशन होगा ही, जलन होगी वहां पे, मसल्स स्पैज्म बनेगा, यानी कि ब्लीडिंग होगी तो फिर वहां मसल्स स्पैज्म बनेगा, मसल्स क्रैम्पिंग महसूस होगी, मसल्स वीकनेस, ब्रुसिंग में ऑकर बट मे बी डिलेड टू द सेवरल डेज, ब्रुसिंग का एहसास तो होगा लेकिन वो तुरंत नहीं दिखाई देगी, दो दिन तीन दिन बाद में दिखाई देगी। डिग्री, ये भी इट्स आल्सो डिवाइडेड इनटू द थ्री डिग्री और थ्री ग्रेड, और किसके आधार पे डिवाइड होता है कि हाउ मच पार्ट ऑफ मसल्स टॉर्न अप, मांसपेशी का कितना हिस्सा फटा है या टेंडन का कितना हिस्सा डैमेज हुआ, रैप्चर हुआ। तो जैसे फर्स्ट डिग्री है या ग्रेड वन है, इसको कहेंगे लो स्ट्रेन, ग्रेड वन स्ट्रेन, इन दिस वेरी फ्यू फाइबर्स ऑफ मसल्स टॉर्न अप, बहुत कम उसके तंतु हैं टूटते हैं, और इसमें हल्की सी पेन और मिल्ड टेंडरनेस रहती है, अगर आप लगाएंगे तो क्रैक्टीनेस महसूस होगी उस मांसपेशी पे जहां मांसपेशी फटी है। सेकेंड डिग्री क्या है? ग्रेड टू मॉडरेट कहलाएगा पक्का। तो मॉडरेट में क्या है कि पार्शियली मसल्स फट जाती है, 50-30-40% तक मांसपेशी फट जाती है, और इससे क्या होगा, दर्द रहता है खूब, जो रेंज ऑफ मोशन है वो लिमिट हो जाती है, कम हो जाती है, स्वेलिंग बढ़ जाएगी, ब्रुसिंग पॉसिबल है, वो हो सकता है दो दिन बाद आए। थर्ड डिग्री क्या है? ये कंप्लीट रैप्चर ऑफ मसल्स है या कंप्लीट रैप्चर ऑफ टेंडन है, टेंडन या मसल्स बिल्कुल टूट जाती है, तो इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा और मूवमेंट रुक जाएगी, आप चाहकर भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। आपने देखा भी होगा एथलीट जब थर्ड डिग्री स्ट्रेन आता है तो एथलीट गिर जाता है, दौड़ नहीं पाता वो, और आपको मालूम भी नहीं होता, लेकिन उसको आवाज आती है, इसमें आवाज आती है जब मसल थर्ड डिग्री स्ट्रेन जब होता है तो आवाज आती है, कट की आवाज, इतनी आवाज आती है जैसे लगता है कि उसकी अस्थि टूटी हो, उस एथलीट को तो आती है, जिस एथलीट को, जिस खेलने वाले को आया उसने महसूस भी किया होगा कभी कभी। अब ये दो शब्द हैं जो मसल्स के चोट के परिपेक्ष में इस्तेमाल किए जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैंने स्ट्रेन के लिए बताया वहां पर दोनों चीजें, लेकिन उससे अलग दो शब्द और इस्तेमाल होते हैं, मस्कुलर हेमाटामा और मसल्स क्रैम्प। तो मस्कुलर हेमाटामा के बारे में आपको याद रखना कि ये दो प्रकार का है, इंट्रामस्कुलर और इंटरमस्कुलर। जो इंट्रामस्कुलर है, ब्लीडिंग विद इन मसल्स कोज बाय रैप्चर और इम्पैक्ट, यानी कि जो चोट ही लगी मस्तिष्क में किसी चीज टकराई, माइक मूड को नताशा तुम्हारा खुला हुआ है और बंद करो। तो जो चोट सीधी मांसपेशी पर लगी, चाहे वो घूसा हो, इंस्ट्रूमेंट हो, बॉल हो, लग जाए और रैप्चर होकर के ब्लीडिंग विद इन मसल्स हो जाए, दैट इज कॉल्ड मसल्स हेमाटामा। और ये पहला है इंट्रामस्कुलर, और इंटरमस्कुलर क्या है, जब मसल्स की सीट्स और ब्लड वेजल्स ये दोनों की दोनों डैमेज हो जाए तो बहुत जल्दी वहां उस स्थान पर नीला उभार आ जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये दोनों क्या है, मस्कुलर हेमाटामा। और मसल्स क्रैम्प के बारे में आपको ध्यान रखना है
कि ड्यूरिंग और आफ्टर स्ट्रेनियस एक्सर्शन और प्रोलोंग्ड एक्सरसाइज इन ए हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, जब हम बहुत लंबी समय तक कोई एक्सरसाइज करते हैं भारी और हॉट एनवायरनमेंट हो तो क्या होता है, फ्लूइड हमारे शरीर से निकलता रहता है जिससे जो मिनरल्स हैं वो भी कम होने लगते हैं, तो हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बिगड़ जाता है, तो उसके कारण आने वाले तनाव को खिंचाव को मसल्स क्रैम्प कहते हैं। यानी कि मसल्स क्रैम्प कहाँ आएगा, हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। जब इसके कारण क्या होगा, लगातार करते जा रहे तो क्या होगा, फिर एबनॉर्मल सस्टेन एक्सटेंसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होगा और मसल्स वहीं फंस जाएगी, आपको लगेगा कि फिर जैसे आप मूवमेंट करेंगे फिर दर्द होगा, जैसे मूवमेंट करेंगे फिर दर्द होगा, ये क्या है, मसल्स क्रैम्प। यहां तक का ये लास्ट था आज का। ट्रीटमेंट आपको मैडम ने बताया होगा, जो मिल्ड हैं